हेलो एस्पिरेंट। तो आज एक फिर से शानदार वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम आप लोगों को लाइब्रेरी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी दिया जाता है, तथा इसके साथ साथ आप लोगों को जानकारी के लिए बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। एक सेंटेंस में कहा जाए तो ऑल अबाउट दी लाइब्रेरी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए दुबे लाइब्रेरी के संचालक हमारे अभिषेक जी हैं और इनसे बात करते हैं। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सो लेट्स गो। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारे लाइब्रेरी में बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो सर, आप हमको ये बताइए कि लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, और जैसे कि क्या क्या यहाँ पे फ्री रहता है, क्या क्या शिफ्ट होता है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं। और एक और अदर टॉपिक है कि आजकल ज्यादातर बच्चे जो है लाइब्रेरी में ही आकर क्यों पढ़ना प्रीफर करते हैं, और देखने को मिल रहा है कि लाइब्रेरी का फायदा भी होता है कि लाइब्रेरी से रिजल्ट जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप इन सब मुद्दा पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी लाइब्रेरी पोस्टल पाक में पड़ती है, जो कि 24x7 यानी साल के 365 दिन खुले रहती है। खुले रहते हैं, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हर टाइम खुले रहती है हमारी लाइब्रेरी। और आप किसी भी दिन आओ, आप 24x7 ऑफिस की भी सुविधा है, यहाँ हर चीज की फैसिलिटी है। ठीक है, आप चाहे एसी रूम लो, नॉन एसी लो, सारी फैसिलिटी है। और ठंड के टाइम है, जैसे अभी हम लोग हीटर की व्यवस्था किए हुए, और यहाँ पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं। बच्चे चाहे 4 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े, उसमें कोई रोक टोक नहीं। फिर भी हमारे पूरे मार्केट से सबसे कम हमने रखा, न्यूनतम 100 और 200 रुपए मात्र हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए तो कि आपके लाइब्रेरी में कौन कौन सा शिफ्ट मतलब की होता है? शिफ्ट जैसे डिवाइड किया, जैसे लाइब्रेरी में डिसिप्लिन जरूरी है, इसीलिए शिफ्ट हमने डिवाइड किया। सुबह 6 से 10 किया, फिर 10 से 2, 2 से 6, शाम को 6 से 10। उसके बाद नाइट में चलता है, जो कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यानी आप 8 घंटा बैठ सकते हैं, 12 घंटा, आप कोई भी बैच अकॉर्डिंग टू चुन सकते हैं अपने। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चे लोग लाइब्रेरी में आना ज्यादा प्रीफर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन, खास रीजन? सबसे पहला रीजन है रिजल्ट। आप हमारा ही देख लो, इस साल हमने बिहार में 25 कांस्टेबल, 6 दरोगा, और एनटीपीसी में रिजल्ट अभी आ रहा है कंटिन्यू, कल आया है स्टेशन मास्टर का रिजल्ट। एक मिनट फिर सब रिपीट किया इस बात को, कितना रिजल्ट हुआ आपके यहाँ से? मैं बताऊंगा, बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल जो गांधी मैदान में जो हमारे 16 नवम्बर को शायद जो डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें 25 कांस्टेबल, उसमें 6+ दरोगा हमारे, उसमें एक लड़की भी थी, और पिछले साल का 2 दरोगा जो इस साल परेड में परेड आउट होगा, उन लोग का जो राजगीर में ट्रेनिंग चल रहा है, वो लोग भी आएंगे यहाँ पे। उन लोग का वीडियो भी आप इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो एनटीपीसी का है, उसका रिजल्ट आ रहा है, कल एक रिजल्ट आया हमारे लाइब्रेरी से एनटीपीसी में, और आज एक छत्तीसगढ़ का आने वाला था, नहीं आ पाया, पर मे भी उसको उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, इसके लिए आपको बहुत सारे बधाएं, और जिनका रिजल्ट हुआ है उनको भी बहुत बहुत बधाएं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर रिजल्ट यहाँ से हुआ है तो उन सभी एस्पिरेंट का आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद मैं उन सभी का वीडियो बनाने की कोशिश फुल करूंगा। तो आप ये बताइएगा कि जैसे पटना में आपका लाइब्रेरी है, तो पटना में तो बहुत सारे लाइब्रेरी है, तो आपके यहाँ स्टूडेंट आना क्यों प्रीफर करेंगे? कहे कि लाइब्रेरी तो बहुत है, तो कहीं भी जा सकता है, तो आप अपने लाइब्रेरी की खासियत बता दीजिए, ताकि स्टूडेंट जो है आपकी लाइब्रेरी आना प्रीफर करें। खासियत मैं किसी लाइब्रेरी का बुराई नहीं करूँ, सब जगह जाओ, सब जगह पढ़ने का, जहाँ मन लग जाए वहाँ पढ़ो। मेरे पास कहे आए, हम 24x7 है, किसी पढ़ाई को लेकर नहीं, लाइब्रेरी के, आपका रहने का व्यवस्था हम करते हैं, खाने की जरूरत पूरा करते हैं। आप अगर किसी कोचिंग कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, चाहे बीपीसी हो, पीसी हो, नीट हो, फिजिक्स वाला हो, किसी भी कोचिंग में, तो डायरेक्ट मेरे पास आके हम वहाँ आपको सेट कर देते हैं। चाहे आप आईएएस की कोचिंग तैयारी करना चाहते हो, बीपीसी करना चाहते हो, सारे कॉन्टेक्ट में हमारे रहते हैं। या आप यहाँ जनरल कॉम्पिटिशन के लिए आते हैं, तो खासकर लड़कियां जो होती है, उनके पास जगह नहीं होता रहने का, तो मेरे घर में खुद स्पेशल है, हमारा छोटा सा हॉस्टल है जहाँ हमने लड़कियां रह रही, अभी भी लड़कियां रह रही है फिजिक्स वाले की, यानी कि आप हॉस्टल की सुविधा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं लड़कियां दोनों के लिए। अच्छा, लड़कों के लिए रूम्स है, लड़कियों के लिए हॉस्टल है। अच्छा, हॉस्टल जो है, हॉस्टल में खाली रूम प्रोवाइड करते हैं या खाना पीना भी? सारा दोनों है, जो अपने से बनाना चाहे उनके लिए किचन हो जाता है, जो नहीं बना सकते उनके लिए हमने टिफिन सर्विस ऐड किया है, वो अपना टिफिन सर्विस ले सकते हैं। अच्छा, हॉस्टल का क्या फी रहता होगा? हॉस्टल में रूम वगैरह लेते हैं तो एवरेज 2000 के अराउंड, रूम के अकॉर्डिंग 200 ज्यादा है 200 कम, और टिफिन सर्विस भी लगभग वही रहता है। अच्छा, चलिए ठीक है, आप अपने लाइब्रेरी के फी के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। हमारा फी बहुत कम है, 100, 200, 500, 600, मान लीजिए आप 600-700 देते हैं तो आपको 24x7 सुविधा मिल सकती है, और 100-200 में आपको पर बैच मिलेगा, चलिए एक बैच का 100 और 200।
अच्छा कोई जो मान लिया जाए कि कोई सक्षम नहीं है आपके लाइब्रेरी का फी पे करने में, तो क्या उनके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चा पैसा नहीं दे सकता इस बात की कभी ना सोचे। आपकी जितनी हासिल आप 10 रुपए भी देकर पढ़ना चाहो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप पैसा की वजह से, ऐसा कभी मेरे पास नहीं हुआ कि कुछ पैसा का भाव में कोई बच्चा लौटा मेरे यहाँ से, ऐसा आज से नहीं है, जब से खुला है तब से पैसा का भाव में कभी कोई बच्चा मेरे पास से नहीं लौटा। चलिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो है हमारे सर जी लाइब्रेरी वाले दुबे लाइब्रेरी के संचालक वो सक्षम नहीं रहते हैं जो बच्चों पेमेंट करने में, उनको फ्री में सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा आपका क्या दिखाइएगा थोड़ा, आपको विजिटिंग कार्ड दिख रहा है होम ट्यूशन से रिलेटेड कुछ है? ये हमारा बच्चों का, जैसे कि जो बच्चे नहीं कर सकते जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि जिस बच्चों को सक्षम नहीं है देने के लिए तो अपना भी कैसे निकालेंगे, रूम रेंट करा सकेंगे, उनके लिए हम लोगों ने सुविधा किया ट्यूशन का। आप एक घंटा ट्यूशन पढ़ाओगे किसी के यहाँ जाके, 5-6 के बच्चे 9-10 जो पढ़ा सकते, एक घंटे का 2,000-2,500 राउंड मिल जाता है, 2 ट्यूशन पढ़ा 4-5 हज़ार पढ़ते हैं, आपके सर्वाइवल के लिए काफ़ी है 2-4 हज़ार।